भारत सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भाषाओं का एक अनूठा संगम है। वैसे तो भारत में कई सारे धर्म हैं, उन्हीं में सबसे प्राचीन है सनातन, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे आध्यात्मिक नगर पाए जाते हैं, जो अपनी पौराणिक गाथाओं से अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं नगरों में से एक है भारत की धार्मिक राजधानी बनारस, जो काशी और वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के तट पर बसा हुआ ये नगर हर हर महादेव की धुन में हमेशा सराबोर रहता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बनारस की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। बनारस में छोटे बड़े मिलाकर करीब 84 घाट हैं। यहाँ सभी घाट अपना एक अलग महत्व रखते हैं। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार कहते हैं, क्योंकि चिता पर लेटने वाले को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहां लाशों के आने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। 24 घंटे यहां चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं, जिसमें से डोम राजा की कथा बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर मां पार्वती का कुंडल गिर गया था। महादेव के पूछने पर जब कुंडल के विषय में किसी ने नहीं बताया, तो उन्होंने समूची जाति को श्राप दे दिया कि आज से तुम लोग चिता को मुखाग्नि देने का काम करोगे, जिन्हें समकालीन युग में डोम जाति कहते हैं। वर्तमान में जगदीश चौधरी जी मणिकर्णिका के डोम राजा हैं। शंकर जी पार्वती आए थे नहाने काशी में, तो उस समय कुंड था, गंगा की भी नहीं थी। बोली पार्वती जी शंकर जी से कि मैं नहाना चाहती हूँ काशी में। तो नहाने गई तो वो कुंड गिर गया उनका कान का। तो आके बोली शंकर जी से कि हमारा कुंड गिर गया है, इन सबों से कर दीजिए। उस समय 7 लोग थे पंडित लोग, तो उसमें से एक लोग से बोले कि ऐसा इनका कुंड ला के दे दो, गिर गया है। तो गया कुंड लेने के लिए, वो आ गया कुंड, कुंड पाकर वो रख लिया। आके बोला कि नहीं मिला। तो उसी समय वो बोले कंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला, तो लगा माफ़ी मांगने को। वो अपने रूप में आ गए, फिर वो माफ़ी मांगने लगा। तो बोलने लगा कि प्रभु आप तो हमको कंडाल कह दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे नहीं जाति में। तो कहे ऐसा ठीक है, तुम इसी जगह रहोगे, हिंदू धर्म के लोगों को अग्नि दोगे, उसी से उनका मुक्ति प्राप्त होगा। तो उसी समय से हम लोग का जाति बना हुआ है। चिता की पहली 5 लकड़ियां डोम राजा ही रखता है। डोम जाति के लोगों का जीवन पूरी तरह से घाट पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि डोम राजा के घर का चूल्हा भी शमशान से आने वाली लकड़ियों से जलाया जाता है। कोई अग्नि का लकड़ी आता है मटन का घर से, हमारे घर पर भी आता है, खाना पीना उसी पर हम लोग खाते पीते हैं। उसमें एक चीज और आता है कि जो लकड़ी पर खाना बनता है, इससे मिर्गी की बीमारी नहीं होती है। जगदीश चौधरी जी के बेटे का नाम ओम है। अपने पूर्वज कल्लू डोम के अखाड़े पर खेलता हुआ ओम ही भविष्य में मणिकर्णिका घाट का डोम राजा बनेगा। पिता जगदीश चौधरी चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होके अधिकारी या डॉक्टर बने, लेकिन डोम राजा की प्रथा को आगे बढ़ाने का प्रश्न भी उनके सामने है। ये तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पुत्र जैसे कोई अच्छा पद पाओ, या अधिकारी या कोई वकील या डॉक्टर या पत्रकार या कुछ भी बने, मगर उसके लाइफ में अगर ये रहेगा तभी हो पाएगा। अगर उसके लाइफ में नहीं है ये चीज, घाटे का कार्य करना है तो घाटे का कार्य करेगा। अंतिम संस्कार से मिलने वाली मामूली सी रकम ही इनके हाथ आती है, लेकिन बदले में ये लोग मरने वाले के लिए मोक्ष पाने का सहारा बनते हैं। डोम राजा के घर पर स्थापित शेर की प्रतिमा ने
काशी नरेश और डोम राजा के बीच कई विवादों को जन्म दिया है। तो उस समय हमारे दादाजी थे, वो शेर बनवा रहे थे, तो रामनगर के राजा वो मतलब वो किए कि तुम कैसे बनवा सकते हो, तुम कहाँ के राजा हो, तुम तो हमारे दादा के मुकदमे में बहुत फास्ट थे। वो बोले कि ऐसा है कि अगर हम अगर राजा नहीं होते तो कालू डोम राजा हरिश्चंद्र को कैसे खरीदते। तो ये हुआ कि हाँ ये बात तो तुम सत्य कह रहे हो, तो उसी समय से ये शेर बना हुआ है। कहते हैं कि शमशान जीवन का अंतिम गंतव्य है और चिता अंतिम सत्य। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हर व्यक्ति अपने अहंकार में भूल जाता है और अपने कर्म को सही दिशा नहीं दे पाता। आते हैं काशी में अपने शरीर को मुक्ति प्राप्त के लिए, तो आते हैं तो सोचते हैं कि मैं काशी में मरूँ तो मेरा मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये जरूरी तो है नहीं काशी में रहने वाले काशी में मरे या आओ कहीं के रहने वाले आके काशी में मरे, जिनका मौत जहाँ लिखा है तो वही होता है। मतलब कोई ये नहीं है, सबको तो दिन जाना ही जाना है। मणिकर्णिका घाट रोजाना हजारों शवों की अंतिम यात्रा का गवाह बनता है। यहाँ दूर दूर से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। मणिकर्णिका घाट और डोम राजा दोनों ही लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। ओ बंधु रे तेरा कौन सहारा, माटी की देहिया माटी में मिल जाए रे। ओ बंधु रे तेरा कौन सहारा, माटी की देहिया माटी में। Human mind is full of desires. When that particular desire is achieved, then the quest to achieve something else begins. This is a never-ending process. And isn't this exactly what we are born for? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में अपना अग्रवाल फैमिली से, मतलब पूरा अरबपति फैमिली है। अब जैसे ही लड़के ने फैक्ट्रियाँ संभाल ली, सारी मर्सिडीज वगैरह मेरे पास, बीएमडब्ल्यू सारी गाड़ियाँ जो हैं है सारा मर्सिडीज थी। मैं अलग होके लड़के ने काम संभालने के बाद फिर हुआ हूँ अपना। अब आप लोगों की सहायता के लिए बहुजन हिताय, भगवान ने कहा चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जीवन में मतलब जो चाहते थे कि मर्सिडीज होगी, अब दूसरे मॉडल की आई वो चाहिए, उसके बाद फिर जो नहीं है वो चाहिए। इच्छाओं पे नियंत्रण होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। We humans are still wrapped in ignorance and we do not know who we really are or what can be expected out of us. As a result, we misinterpret everything and act on that false belief of misinterpretation. The failure to understand our very own existence leads us to a false identity of a self-seeking egoist and pretentious behavior of what we are unable to be. The aim of this mortal life varies among individuals, but in totality, everyone seeks physical happiness. Happiness we got, that's mean we got from our mind. After we came with the Buddha, and then we have happy. And then, what to say, our desire, we would like to get the cessation of the suffering. Yeah. We believe after we pay, the holy four places, we will get the happy lives. Why do you have to go
सोच के रखा रहता है, अगर वो पूरा होता है तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। हमारी खुशी सबसे ज्यादा हमारे परिवार में और हमारे सभी भाई बहन अंदर का जो दुख गया तो खुशी है, जो अपना लोभ है मोह है माया है ये अगर अपन उससे दूर रहेंगे तो खुशी ही खुशी है। ताकि खुशी कहीं मिलती नहीं है, खुशी तो ऐसा नहीं कि बाजार में चलो पैसा देके लेंगे अपन, ऐसा तो है ही नहीं। बुद्ध ने भी यही कहा है। In a religion like Buddhism, a person is reminded that he is the beneficiary of his karma and the master of his destiny. In order to gain greater happiness, he must be prepared to sacrifice short-term pleasures. Leading a positive and wholesome life on earth and creating happiness for oneself and others is much better than a selfish life of trying to satisfy one's ego and greed. Enlightenment is said to be the key of ultimate happiness. The story of Gautam Buddha tells us how one can be satisfied with what he has and how one can attain nirvana. आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्धिज्म का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध का जब जन्म हुआ उस समय भारत में कर्मकांड ज़्यादा प्रचलित थे। बुद्ध ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने जीवन के कुछ सत्य देखे। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ, उनका पालन पोषण एक राज परिवार में हुआ और उनको सारे कष्टों से दुखों से दूर रखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। उससे उन्हें ये लगा कि ये संसार जो है वो दुख का सार है और इन दुखों की निवृत्ति के लिए कोई मार्ग चाहिए। बुद्ध अपना राशि वैभव त्याग करके चले गए। कुछ समय पश्चात बुद्ध बौद्ध गया पहुँच गए। बौद्ध गया में उन्होंने तपस्या की, मतलब अपने आप पर पेनेंस किया, अपने को मतलब शरीर को कष्टों से पुनर रखा। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन कुछ महिलाएं जो हैं वो जा रही थी, ग्रामीण महिलाएं, और वो कुछ गीत गुनगुना रही थी। उस गीत का भाव ये था कि वीणा के तारों को इतना न कसो कि उससे वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना ढीला ना छोड़ो कि उनसे संगीत ना कर पाए। तो बुद्ध ने उससे प्रेरणा ली और उन्होंने फिर जो वो तपस्या कर रहे थे उसको त्याग किया, भोजन ग्रहण किया और तपस्या में फिर से। एक रात में उनको ये महसूस हुआ कि उनको बोध का बोधि हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी को बोधिसत्व बोलते हैं, इसीलिए बुद्ध को उनका नाम तो गौतम था, सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको बोधि मिल गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उनका नाम बुद्ध हो गया। देखिए बुद्ध का शुरू से ही उन्होंने पूजा पाठ का विरोध किया है। स्तूपों का पूजा का प्रचलन रहा, मूर्ति का पूजा का प्रचलन नहीं रहा है। लेकिन सही रूप में अगर उनकी कोई भी साधना है जिसकी पूजा करना चाहिए वो विपस्सना है। विपस्सना एक्चुअली पहाड़ी बाज है, इंग्लिश में मेडिटेशन बोलेंगे तो हिंदी में उसको साधना बोलते हैं। तो साधना क्या है? साधना मन को एकाग्र करने की एक विद्या है। मन की पवित्रता को, मन को एकाग्रता के साथ में आपके अंदर जो शरीर के अंदर में जो राग दोष मोह छुपे हुए हैं और तो जो चंचलता है उसको कम करता है और तो शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो जो व्यक्ति इनका विपस्सना करता है, विपस्सना करने का है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सारे के सारे मनुष्य मन के अनुसार से काम करते हैं, उन शरीर से नहीं करते। लेकिन जब आप विपस्सना करना शुरुआत करेंगे, मन को एकाग्र करना शुरू करेंगे तो वो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, चंचलता कम हो जाती है। जब चंचलता कम होती है प्रयास करते हैं कि हम किसी का अहित न करें, मेरे मन से वाणी से काया से ऐसा वचन ना निकले तो सामने वाले को कष्ट होगा। तो एक तरह की एक तपस्या है, ये कठोर तप। इसी तपस्या के द्वारा ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और बुद्ध बने। कुशीनगर,
A district in Uttar Pradesh is the place where it is believed that Lord Buddha attained Nirvana and left his physical body. It is one of the most important pilgrimage for Buddhists among the four pilgrimage sites of Buddha. This place was also visited by the Emperor Ashoka the Great, who added grandeur to this place, and the Chinese travelers Fa Hien, Hyun Sang and Ai Singh. Apart from these famous people, there are a number of national and international societies which keep on contributing to the beauty of Kushinagar. The Mahaparinirvan Temple is an abode of peace. It is a place where Lord Buddha lies in eternal sleep. The excavated statue of a 6-meter tall Buddha is in the Parinirvan posture, his head turned to the right and feet swollen from the long travel from Vaishali. कलाकार तो अपने अनुसार से मूर्ति को बनाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं, उस गुणों के आधार पर वो अपने आप उसमें निखर करके सामने आ जाते हैं। बुद्ध अनायास नहीं मरते, ऐसा नहीं कि बुद्ध की अनायास मरते, बुद्ध अपनी सचेत अवस्था के साथ में अपने शरीर का त्याग करते हैं, वो भी ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन, जो विपस्सना मैंने बताया बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो विपस्सना के साथ इसी तरह लेट करके पैर के अंगूठे से अपने शरीर को छोड़ना शुरू करते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फिर उल्टा होते जाते हैं, फिर लौट करके जब आते हैं तो अंत में आकर के अपने सिर से शरीर को छोड़ देते हैं। तो फिर निर्वाणं परमं सुखं, निर्वाण ही परम सुख है। रामबार स्तूप। रामबार स्तूप is counted as one of the most sacred shrine of Buddhism in the world. It is the place where Lord Buddha was cremated and got Mahaparinirvan. Buddhists from all places of the world come and visit this place. There are other Buddhist attractions like Linh Son Vietnam Chinese Buddhist Temple, Wat Thai Temple, Burmese Temple, and Myanmar Buddhist Vihar. During his enlightenment, Buddha found answer to 3 universal questions, and he explained these answers and truth in a simple way for his disciples. The first universal truth of Buddha found was, nothing is lost in this universe. If we destroy something around us, we destroy ourselves. If we lie to another, we lie to ourselves. The second universal truth is, everything changes and keeps on changing continuously. The third, if we do some good things, then good things will come to us. If we do something evil, then evil things will happen to us. It is all due to cause and effect. This law of cause and effect is known as karma. Buddha throughout his life gave many lessons to live an ethical life. The Eightfold Path is part of the Four Noble Truths, which is the path that leads to the end of suffering. The Noble Eightfold Path are aapki drishti sahi ho, jo aap kaam karne ja rahe hain aapki drishti sahi ho, sahi cheezon ko dekhein. सम्यक आजीव हो, जीविका सभी की है, है? एक डाकू भी पैसा पैदा करता है और एक मेहनत करके पैदा करता है, तो आजीव जो है वो सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, किसी को कष्ट देके, किसी को मार करके, किसी को पीड़ित करके कोई जो धन जो अर्जित किया जाता है उसे संतोष नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। फिर सम्यक संकल्प है, आपका संकल्प सम्यक होना चाहिए, आपने संकल्प किया कि मैं ये कार्य करूंगा, इनके लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे, इनको दवा दिलाएंगे, इनको भोजन दिलाएंगे, दूसरा संकल्प यह है कि मुझे बम छोड़ना है, एक संकल्प वो भी है, तो सम्यक संकल्प होना चाहिए, आपका संकल्प जो है वो सही होना चाहिए। फिर सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक वचन, आपके वचन जो है वो सम्यक होना चाहिए। फिर सम्यक स्मृति, स्मृति आपके साथ हर एक के साथ जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं,
तो बुरी चीजों को भूलना है और सही चीजें जो अच्छी चीजें उनको याद रखना है। ये सम्यक स्मृति है, सम्यक कर्म है, कर्म आपके सम्यक होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए और सम्यक समाज है। ये आठ उन्होंने मार्ग बताए थे। द बुद्धा डिड नॉट टीच दैट गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, ही पॉइंटेड टू अ ग्रेट लॉ और धर्म रनिंग थ्रू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। ही गेव थ्री साइंस ऑफ बीइंग दैट आर चेंज, सफरिंग एंड नो मी एटीट्यूड। महेश योगी हिंदुस्तान बहुत बड़ा संत है, ये पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वही बुद्ध का मेडिटेशन वगैरह को देखा सुना, उसके बाद खूब चला गया बाहर में मेडिटेशन के साथ। मेडिटेशन करने के बाद आसमान में भी बिना जहाज का जा सकता है, ऐसे बोल गया अमेरिका प्रचार किया। 1984 की पहली बात ये, तो वही एक अमेरिका का एक आदमी 40 लाख रुपया खर्चा किया हमको सिखाओ बिना पैसा का, ठीक है। लेकिन वो तो जबरदस्ती करने से नहीं होगा, करते करते नहीं हुआ, नहीं दो हमारा पैसा बर्मा बजे किया था जब वापस आ गया। 1984 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बिल्कुल पूरा लाइन से देसी विदेश बहुत था, जरूर बैठो मेडिटेशन तो नियम तो नहीं है, मेरा कुटा ऐसे से हुआ था उस टाइम में। ऐसे नियम कानून के बिना नहीं होता, कोई भी चीज में नियम कानून से करेगा तब होता है, बिना नियम कानून का नहीं होता है। बुद्धा अनडाउटेडली वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। He devoted his life in an effort to lead to the path of enlightenment. It is said that when Buddha's soul was leaving his body, he told all his disciples to not follow any leader. He said, "All component things in the world are changeable. They are not lasting. Work hard to gain your own salvation." So glad that you have joined. I hope you have settled. I would like to apologize first before we begin for making everyone wait. Good afternoon, sir. How are you? Long time. It's so nice to see you, sir. Hello, Raghav. How are you? Good, sir. So from where you are traveling? Traveling from one destination to the other destination in the middle of a lot of things. So we were half an hour late, but we covered 10 minutes. So thankfully I could join. Otherwise, I was really keeping my fingers crossed. I didn't want to start at 4. Okay. So good to see you. Asha, we can start without wasting time. Thank you. Thank you, sir. So good afternoon, one and all. I, Asha Adhikari, on behalf of Amity University Lucknow campus, welcome you to the Alumni Connect, and initiated by Amity School of Communication. We will invite our alumni to have a discussion on different topics. We are privileged to have our director, Amity School of Communication, Professor Dr. Sanjay Mohan Johari with us. And the topic for today's discussion is opportunities, struggle, and success in the entertainment industry. For so many people, the perception about working in entertainment industry is next to attaining nirvana. In a country of more than 1.2 billion people, making a space for yourself in the industry is extremely tough, if not impossible. Thousands land up in Mumbai every day to pursue their dream and return without realizing them. But thousands stay and make their dream come true. The session will focus on the myths and reality about the entertainment industry. We'll talk about the different opportunities that the industry have,
And to do this job, we have an actor, an amazing human being who has the caliber to fulfill and do justification to every aspect of life coming towards him, be it writing, acting, or creation. He's our own lad of Lucknow, an alumnus of Amity School of Communication, Lucknow, Raghav Kakkar. Raghav, we welcome you. And to welcome you, I would request Sonia to please play our AV. An alumni of Amity School of Communication, Lucknow, Raghav has acted in 3 Bollywood feature films such as Mickey Virus, Purani Jeans and Indu Ki Jawani, short films and ad films. Leaving no stone unturned, he has shown his mettle in Scam 1992, Harshad Mehta's story. Apart from acting, he has established himself as a writer and is currently working on numerous projects. He is also the co-creator and actor in the TVF series Inmates. जब तुम किसी से प्यार करते हो तो it doesn't matter कि वो मर्द है या औरत है. Are you with me? Being part of the entertainment industry for almost a decade, Raghav has proven with sheer hard work and talent, no dream is too big. We are proud and privileged to have him with us, Raghav Raj Kakkar. We welcome you. Raghav, how does it feel to be back to your department and welcome like this? I'm feeling extremely happy because I'm, first of all, it's an honor to be called back to your alma mater. It's always is. Also, sir, Jory sir has been, he's been a mentor to so many of us now. And I'm privileged in the sense that I think he took a special interest in me and I always had his ear. And to be called back in such a scenario is a huge privilege. Also, ये जिसने भी AV बनाया, please मुझे भी भेज देना. This is quite motivating. I had no idea I can be presented like this also. I will watch it every time, motivate myself. We'll share with you. We will share it with you. So I think we'll start the discussion on the topic. So before I start the discussion, there's a line that I just want to say, which is when I speak it, Raghav, it is very familiar to Raghav. I'm sure it's koshish bhi kar, umeed bhi rakh, raasta bhi chun, aur uske baad thoda mukaddar bhi talash kar. I said this is familiar to Raghav because this is a DP of Raghav. And it tells a lot about Raghav, about the struggle and the journey that he has done. So Raghav, the first question that I would like to ask to you, that how did it actually start? I mean, when you planned to or decided that you want to enter this industry? To be honest, I think मुझे तो बचपन से ही कुछ ऐसा सा ही करना था. But पहले मैं रहता था in a city called मुरादाबाद. वहाँ पे सिर्फ या तो आपके पास कॉमर्स होती थी या साइंस होती थी, ह्यूमैनिटीज भी नहीं होती थी. सो आई रियली थॉट कि ये तो कोई और ही लोग होते होंगे जो ऐसा करते होंगे. दिस इज अ फार डिस्टेंट ड्रीम. एज आई ग्रो अप आई विल प्रोबब्ली शिफ्ट टू माय अदर इंटरेस्ट्स. देन आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अ कॉलेज कॉल्ड किरोड़ीमल. एंड वो लक की बात है कि आई इनहेरिटेड अ एक्सट्रीमली मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लेजेंडरी सोसाइटी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, द प्लेयर्स उसका नाम है. एंड वहाँ से काफ़ी दिग्गज लोग निकले. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंड प्रैक्टिस थिएटर फॉर 3-4 years. तो वहाँ पे स्किल्स होन करते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, ड्रामा पढ़ते हुए, नाटक करते हुए, मुझे रियलाइज हुआ कि यार प्रॉबली ना मेरे आस पास के इतने लोग क्योंकि कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता. सो आई जस्ट टुक दैट गैम्बल. बट ऑफकोर्स पेरेंट्स का तो आपको पता ही है ना. सॉरी आई एम कटिंग यू इन द मिडिल. पेरेंट्स ऑलवेज आर लाइक कि नहीं तुम पहले पोस्ट ग्रेड करो उसके बाद जाके बुक बनना. Yeah, I know. Yeah, we all have the parents of same generation, I believe. So I understand it completely. So Raghav, talking about this start, what were the basic struggles that or hardships that you know you faced in your initial period? Everything, yaar. Matlab, you're entering a city which has a very distorted ratio of supply and demand. You know, plus you literally don't know anyone, so you're also kind of scared. It's an expensive city.
you don't have money, you can't be dependent on your parents. So it's a matlab log hamesha bolte hain ki patience or perseverance or bahut sari cheeze chahiye hoti hai, but when you go through it, it just kind of engulfs you here completely. But thankfully I had a gang of my old college friends who had all come together, so we stuck by each other. So that at least was a good thing. But otherwise, so initially to wahi sare na aadi desh ke sath wahi dikkat hai, paise nahi hai, kaam nahi hai, aap idhar se udhar bas ghoom rahe hain, soch rahe hain ki ha mera sapna hai, main kuch karunga. When it will pay off, you have no idea. It is said that Mumbai ke bare mein aise kaha jata hai ki Mumbai is a human being, so agar wo aapko welcome karega to wo aapko jaane hi nahi dega, but agar usne first time mein hi aapko bye bye keh diya to fir wo aane bhi nahi dega. It's a line by Swara Bhaskar, by the way, she said this. So is it true? It's a good line. I want to figure out if I can make it better somehow. It's not a human being per se. It's almost kind of a teacher. That doesn't mean that human teachers are not human beings. But thank you for clarifying that. I am a teacher. But maybe sochta hu ki Mumbai ka scene kya hai na, wo aapko it's almost like going back to school. आपको अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी होती है, आपको अपनी आवाज ढूंढनी होती है, आपको वो सरवाइव करना ही करना होता है. बिकॉज इफ यू गो बैक, एक बार हिम्मत टूट जाती है ना, तो फिर वो चीज कभी काबू में आ नहीं पाती. तो वो तो है, मतलब स्वरा भास्कर, इफ शी सेड इट, आई एम श्योर शी हैज मोर एक्सपीरियंस, शी हैज मोर सक्सेस, आई एम श्योर उनका दैट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुंबई इज आल्सो हायर. You just said in your first line, like you went there and then you were lucky to have people around, people who you already know. Yeah. And these people were from industry or like they were just the friends? None of them. So we always talk of, I just said that there are so many myths related to this industry. This is one myth that, you know, we all hear, which is you need to have connections, otherwise you are not welcome in the industry, be it film or entertainment. Is it true? Don't you think it's largely true of every industry? It is, but for a newcomer, for example, it changes from industry to industry. There are opportunities. So I just wanted to know about the entertainment industry specifically. See, my thing is, I am not really sure how to address that, except for what I've figured out. Is that because this is an unorganized sector, so there are a bunch of production houses, bunch of film families who've been there for 2-3 generations. They've sprung out, more people have come out, they've all collaborated, they've made one unit. Now, when we go, we also seek to, let's say, first meet a casting director, then meet a director, then meet a producer. So eventually, aap bhi contacts make karte hain, you also make friends. Exactly how it is in school, na? You make new friends, some old friends get lost, some there are some nice teachers that you like, there are some teachers you don't like. एक पीटी टीचर होती है जो आपको बहुत संटी मारती है. इट्स द सेम लॉजिक दैट्स वर्किंग इन बॉम्बे आल्सो. ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस, बिकॉज़ जब तक हम वो चीज के स्टेज वन पे पहुंचते हैं, इट टेक्स अस अ लॉट ऑफ टाइम टू एटलीस्ट गेट अ स्टेप इन द डोर, यू नो. So, I mean, for a person, like you said, you did not had contacts in the industry and you started. This is the question. I want you to share your experience. How did you get your first break in the industry? Okay, let me rephrase it. It's not like I didn't know anyone. So I told you about the players. The players has a long lineage of people who have gone to Bombay and worked. Some of them closer to my batch were there in Bombay for a couple of years. So I told my family about this. कि देखो मेरे सीनियर्स हैं वहां पे, मैं भूखा नहीं मरूंगा, डोंट वरी, समबडी विल टेक केयर ऑफ मी. आई जस्ट ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा खत्म हुआ था, 21. सो ऑफ कोर्स उन लोगों को यही ढांढस बताया था, एंड दे काइंड ऑफ हेल्प मी मनूवर द एंटायर थिंग. आई लैंडेड मिकी वायरस इन माय फर्स्ट ईयर ओनली थ्रू एन ऑडिशन. What are the, to encourage a positive attitude, what necessary steps do you think a university should take? I don't think I'm not,
I'm incapable of answering. I mean, as a person, you said you have learned, you got your first role or when you were in the campus. There are some skills that you must have developed through your university. So there must be a role. What I went was a lot of my seniors from my university were there. Okay. But it's not about the university, but I think it's the people. Matlab, you don't invest in a university. You invest in the teachers. You invest in your own. So, Raghav, I have another question. I want to know about, there's again a myth which says that it is important to be in a film school. You know, how helpful it is, or is it mandatory to be in some film school? It's not mandatory, but I have not been to a film school. But if anyone is listening right now, I would really recommend that you go to one. Because the kind of exposure you will get in terms of thought, दुनिया में कितने तरीके के विचार हैं जो हमें कई बार पहुंच के ही पता लगते हैं क्योंकि वो स्पेसेस वैसी हैं वहां पे वो उन विचारों को ना 1950-1952 से दी जा रही है हवा कि आप लोग सोचिए ना वो दुनिया भर की फिल्में देखते हैं दुनिया भर का एक्टिंग देखते हैं तो बिफोर दे कम टू बॉम्बे दे आर ऑलरेडी सुपर एक्सपोज्ड यू कैन स्टिल गेट इट डन मतलब इट टेक यू टाइम इट टेक यू एफर्ट वहां पे आप जाएंगे यू गेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड And by the time you come out, you're a changed person. So I would highly recommend you go to a film school. One more thing, Raghav. It is said that, I'll not talk about the struggle anymore. I'll talk about the new opportunities that we have. I mean, there are so many platforms in the air when you entered the industry, right? I think it must be 2012 or 13. Right, there was not too many opportunities in terms of now we have digital platforms, we have YouTube and streaming platforms, so many. It has changed. So can you tell me about the opportunities that we have in this industry and how it has changed, evolved, I'll say, from the time you joined and till now? I actually owe everything to these things, yeah, because till 2015-16, I'd done two films. And a bunch of ad commercials, and yet my career wasn't going anywhere. That's the time these guys, these engineers from IIT, they formed a group called The Viral Fever. They came out with their web series. Okay. And we heard ki yaar, we have spent our life doing this. Okay. These are engineers. Okay. They have learned it from YouTube. They had something inside of them, but the skill they mastered from a digital platform. And now they are making content. So it was really motivating in the sense that, okay, somebody has already set the example. Why don't you also try and see if you land up anywhere? So me and my writing partner, Kashyap, we wrote Inmates thinking we'll write ourselves in. We'll act, we'll write. And iske baad hamara acting career will take off. Of course, life doesn't work like that. Our writing career took off. I got a lot of writing work. And by the time 2018 came, there was Amazon, there was Netflix, there was Sony. Every channel which was there on television before has an OTT platform now. So for people who are familiar with the history of television in the department, whoever is listening, this is like the 90s. This is like the 90s boom when ZTV had come in. Till 1999, if you remember when Star Plus came in and the whole Saas Bahu thing happened. तो वो जो 80s के late 80s के दूरदर्शन से स्टार प्लस का जो 99 तक का एक जो फेज चला था द गोल्डन इयर्स ऑफ इंडियन टेलीविजन इट्स वी आर इन द मिडल ऑफ दैट स्टेज राइट नाउ एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफैक्ट राइट नाउ इज सच अ ग्रेट टाइम बिकॉज इफ नथिंग देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यू नो राघव You know, when talking about entertainment segment, we always talk of acting because that's something that everybody talks about, everybody sees. So we always talk about this and everyone sees it as a very glamorous industry. There's a lot of glamour when we just say this entertainment industry. And I'll tell you why I'm saying this because before taking this interview, before having this conversation, I asked my students, there are 118 participants. I asked so many of them, what is the first thing that comes to your mind? When I say entertainment industry, and they said, ma'am, glamour.
glamour is the thing that comes to our mind, but it's much more than glamour. There's so many other things. So what do you have to say to this particular thing, that industry is just not glamour and it's just not acting? I thank you for that question. I've been so I recently attended something in my school also. I've been very fortunate this year. यार देखो मैं ना मैं तुम लोगों की उम्र से जस्ट ही निकला हूँ और मैं कोई मतलब आई एम ऑल्सो फिगरिंग दीज थिंग्स आउट बट माई ऑनेस्ट सजेशन टू यू इज हूएवर इज लिसनिंग गाइस अगर ग्लैमर के लिए आना है ना तो मत आना क्योंकि वो ट्रैप है वो छलावा मुझे भी लगता था कि यार ग्लैमर है बेसिक चीज बट जितने भी लोग मास कॉम के हैं जो कि फिल्म मेकिंग कर रहे हैं आपको पता है कि फिल्म मेकिंग के कितने एस्पेक्ट्स हैं डायरेक्शन है कैमरा है लाइटिंग है एडिटिंग है साउंड डिजाइन है एक्टिंग तो क्योंकि हम लोग की इंडस्ट्री ऐसी है ना एक्टर प्रधान इंडस्ट्री है और एक्टर्स को सबसे ज्यादा पैसे और काम मिलता है सो वी आर ऑब्वियसली वी विल बी ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स इट सो वाज आई यार बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट इफ यू वॉन्ट टू डू इट बिकॉज ऑफ ग्लैमर थिंक अबाउट इट दिस वे आज से 400 साल 300 साल पहले जब शेक्सपियर अपनी कंपनीज लेके शहर टू शहर जाता था अगर आप लोग तब ये काम कर सकते थे ना तब भी ये काम में करने आना अभी बिकॉज अदरवाइज देर इज नो ग्रेटिफिकेशन दैट ग्लैमर एस्पेक्ट तो यार फेसेस आज कोई है कल कोई हो जाएगा दैट जस्ट कीप्स रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग यू विल एंड अप बिकमिंग आई डोंट नो व्हाट राखी सावंत और मे बी अ मेल इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्सन बट रियली थिंक अबाउट इट हाँ ग्लैमर तो मतलब वो तो क्रिएटेड है यार तुम लोग भी करते हो जो फोटोग्राफी वाले हैं तुम लोग अच्छी लाइट लगा के ग्लैमर क्रिएट कर देते हो ना ऐसे बट दैट्स द स्किल सो माय सेंस इज गो आफ्टर दैट थिंग ग्लैमर इज अ पार्ट ऑफ इट दैट विल इवेंचुअली कम अराउंड डोंट वरी यू ऑल विल गेट टू वेयर नाइस क्लोथ्स स्पॉन्सर्ड बाय स्टाइलिस्ट्स एंड समबडी विल टेक अ नाइस फोटोग्राफ ऑफ यू डोंट वरी अबाउट रिलेटेड टू दैट आई हैव वन मोर क्वेश्चन बिकॉज़ आई सेड आई हैड अ टॉक विद माय स्टूडेंट्स एंड अदर्स रिगार्डिंग द डिस्कशन इट वाज why everyone talks about direction and why everybody promotes acting why they do not promote the other skills there are so many other skills for example there are VFX person there are camera person there are light person there are cinematographers why is that happening why is industry not promoting the other skills which are there in the industry we always promote this, it's a function of bad marketing And you think that as a part of industry, you are a part of industry. So you are a writer also. Yeah, so do you think that the industry people are not promoting the other job profiles, the other hard work that other people are doing, be it writer? I mean, there was a huge debate in SWA about writing and giving credits to writers. I am sure you are aware of it. So they want to know about it. Why the credit is not given and why people who are in it are not raising their voice against it? So I'll answer the first part of your question, Peli, which is why are these things not being promoted? And I'll connect it to that idea of do you think a film school is necessary? Okay. A film school is necessary precisely because of this. एक्सपोजर का बेसिक यही है कि हम पहले तो फिल्म मेकिंग समझे होती क्या है जो लोग नई फिल्म स्कूल गए हैं मेरे जैसे वो धीरे 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 ऑन एवरी सेट वी आर लर्निंग समथिंग न्यू इसका एक्सपोजर फिल्म स्कूल वालों को बहुत जल्दी हो जाता है लेट मी पुट इट इन अ नाइसर वे ऑल्सो DOP विच इज द कैमरा पर्सन एंड द एडिटर दे गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर वॉट दे डू डायरेक्टर्स गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर वॉट दे डू अब हर आदमी समुंदर के किनारे खड़ा होके तो ये नहीं बोल सकता कि यार एक दिन मैं शहर पे राज करूंगा कुछ लोगों को घर भी चलाना होगा अच्छी लाइफ जीनी है कंफर्टेबल लाइफ जीनी है मैं उनके लिए बता रहा हूँ गाइस अगर एक्सप्लोर करना है ना तो ये बहुत अच्छा टाइम है गलती करने का अभी गलतियां कर लो 20s में बहुत मजे आते हैं गलती करके ताकि 30s में ना आप पक जाओगे बाय द टाइम यू हिट योर 30s ना यू विल बी मोर श्योर ऑफ व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली फील लाइक डूइंग 30s is when you will probably start earning money. And by the time you are 40, you'll have a nice, comfortable, beautiful life. So you can go on vacations, you'll have a nice car, you'll have a nice partner to live your life with. You'll probably be called for MTI alumni conclaves. So life's good, yeah? The second part. Ye, hamari film mein na,
प्रॉब्लम क्या होती है कि चेहरा बिकने वाला मसला बहुत ज्यादा रहता है. सो आई वॉज रिसेंटली स्पीकिंग टू माई मैनेजर अबाउट राइटिंग का PR. And he told me that, yeah, listen, it doesn't work. People are not really interested. They're not interested because there's not a culture around it. In the West, there is still some ek niche audience hai, jo ki show ke creator ka interview sun rahi hai. Ki acha, aapne create kaise kiya, aapne dialogue ka kaam kaise kiya. Niche hai, apne aap hi hai. Film Companion is a wonderful, wonderful place to catch up on these things. And I think dheere dheere grow karega, to aur log us taraf bhi attract hoenge. Slowly, but we are, I think, working on it, because I remember in 2000 till 2010-11, when I was a student, I used to go to watch a movie, you know, looking at who's the actor. But now I see ki yaar director kaun hai, you know, who are the people who's writing. If that depends, I think it's changing. You and me both. Yeah, just a hair difference, I believe. Yeah, true. So yeah, I think this discussion comes to this conclusion that they are changing, they are speaking, and change is happening. So though I have many questions, I have a paper, but I'll take questions which are from students. I have so many questions in the chat box. I'll take the questions from the chat box. And the first question is from Abhishek Singh. Initially, as a fresher, what opportunities are there in the Indian film industry? And how easy or difficult is it for us students to grab them? What kind of opportunities are you looking at? Do you want to be an actor, director? What is it that you're looking at? I think the student, I mean, there are, you know, opportunities in terms of, there, for example, there is this whole thing, Indian Film Projects. So if you are into films, so they're promoting filmmakers, they're asking them to create a film, and then they buy their film and all that. So I think maybe that's the kind of opportunity he's talking about. Because, a lot of opportunities. For people who want to make films, I can tell you that you will be employed in most likeliness in the first 3 months. And fortunately, in the technical field especially, agar hum acting ko side mein rakhte, to writing, direction, editing, camera, in char departments mein, the degree of employment is way higher. And after a point, you can also get to choose your collaborators. Kya yaar, mujhe na fala fala director ke andar assist karna hai. You start making inroads. You start making connections on your own. There is no science to it, but wo ho hi jata. Yeah, but also, I think I read this question again. I think if I decode it, also the student wants to know how to know about those opportunities. How one gets to know about it. Yes, there is opportunity. Because, you know, as a student, it's really difficult to find opportunities. No one knows, yaar. I can tell you one thing. You take my number from Asha, ma'am. Okay? Main aapko do number de dunga. Wo do se aapko char number aur mil jayenge. Aap thoda bhatkenge, aapko kahin na kahin tagla ke kaam mil jayega. It's as simple as that. And I really mean it. You can, if anybody feels like calling me, let's set up, or you please, aap number share kar sakte hain. Main unke saath time set up karke jab bhi milega. मैं भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे साथ किसी देने की थी, मुझे बड़ा गुस्सा है उस बात का. I think what Raghu also said and said in that thing is PR is very important. So you have a PR. Yeah, but in the right way also. Yeah, true. You can people rub the wrong way. True. There's another question from Rushali. And the question is, how do you measure success? Do you take social media as a tool for it, or there is some other way? How do you measure it, that you are successful now? You have reached where you wanted to. Okay, I'll tell you how my measurement of success has changed. When I came to Bombay, I wanted a bungalow, a big SUV, a lot of these materialistic things. Ab wo to mile nahi. Theek hai? To main uske piche khap ke kuch kar nahi sakta. बट वॉट आई फिगर्ड इवेंचुअली वो थोड़ा सा एक आपका एक कॉन्शियस मूवमेंट भी होता है. अब ये लोग तो हंसने लगेंगे ये सारी बातें सुन के, बट आई रियली मीन इट. हाँ गाइज, ट्राई एंड हियर मी आउट. योर सक्सेस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दीज एक्सटर्नल फोर्सेज कि आपने क्या क्या इकट्ठा कर लिया है कबाड़ अपनी लाइफ में. ठीक है, योर सक्सेस विल बी डिपेंडेंट अपॉन हाउ हैप्पी यू आर इन वॉट एवर यू आर डूइंग. ओके, एंड दिस
I'm still trying to, अभी भी मैं इस चीज को अपने अंदर ड्रिल कर रहा हूँ, मैं भी अभी पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया हूँ, बट आई रियली थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अब मेरे पास जो भी आ रहा है ना, आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंट डूइंग इट, सो आई एम हैप्पियर एंड मोर रिलैक्स्ड एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अपोज टू बींग बिटर एंड सेइंग ये गलत है वो गलत है, हर तरफ जो है गंदगी मची हुई है. सो इन ऑर्डर फॉर योर ओन सैनिटी, डू नॉट डिफाइन योर सक्सेस थ्रू दीज मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, though they are indicators of the kind of money you will earn. So nobody's saying don't be ambitious. Just don't make it a benchmark of who you are, is what I mean. I remember when any guest sessions used to happen at our times, since it's an alumni connect and people used to come and tell us these things, we were like, oh, inhone to paisa kama liya, and now they are saying this to us. So student, it's not the case. मैं क्लियर कर दूं, मैंने कोई पैसे नहीं कमाए, मैं काफी काफी कट टू कट जी रहा हूं अभी भी, ठीक है, बट मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं फाइनली वो काम कर, मतलब आप समझ रहे हो, द डिग्री ऑफ सक्सेस इज दिस, आशा आई एम श्योर बिकॉज वी कम वी आर काइंड ऑफ क्लोजर इन एज, वील कनेक्ट मोर ऑन दिस, इज दैट द लग्जरी ऑफ डूइंग वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू इंडिपेंडेंटली in an industry which has such a high rate of non-successful people is a huge privilege and a blessing. Okay? Ab wo success to yaar dheere dheere abhi aa hi jayegi, kahan jana hai, 50 55 60 70 yahi rehna hai, wo jabhi bhi aayegi at least we'll be prepared for it, you know, we won't go crazy. It's good to hear the philosophical side of Raghav as well. So hey, Raghav, I have a few more questions, and though I have so many questions, there's a question from Vaishali Gautam. She asked that since entertainment industry is quite unpredictable, did you plan on a backup? No. Don't plan. I mean, I think she's like directing it towards the corona times. We had this hard times, and you know. So you are not prepared for it. I don't have a backup. I have. अब आप कितने साल के हो वैशाली? I'm assuming you must be in the bracket of 18 to 23. आपके पास एक से ज़्यादा skills होंगी. I'm hoping हो. उनमें से एक skill आपका backup बनेगा. You can't be prepared for it, yaar. There's a question from Alicia Sayadan. She asked that how important it is to understand the characterization for essaying a role. Extremely. Some examples, because you have played such so many characters, and also you have written. You are a writer as well. उतना मेरा honestly बताऊँ, जिसका भी सवाल है, sorry मैं नाम पकड़ना भूल गया. मेरा अभी उतना body of work बना नहीं है acting का कि मैं इस पे विस्तार से बात करूँ. But from whatever I have gathered so far, characterization is the only thing, is the only way people like Nawazuddin Siddiqui and Pankaj Tripathi and Irfan Khan have captured us. People like Nasiruddin Shah sahab and Dilip Kumar sahab and all these great guys is because unke paas andaaz ke alawa kuch aur bhi tha. Aur wo kuch aur unka characterization tha. Ki is insaan ke andar aisa kya hai jo main audience ko dikha dun. Aur unhe lage, haan ye main samajh gaya. Audience ko lage, haan is bande ne ye correct. So it's very important, yeah. Another question is from Sanjana. Sanjana wants to know the impact of COVID-19 on entertainment industry in terms of available opportunities. बहुत mixed bag हुआ है COVID के चक्कर में. Mixed bag ये हुआ है कि the OTT platforms, we've all subscribed to them, we're all consuming them, and now they are on their way of replacing our television sets, cable TV at least. That is one thing. Second thing which has happened in tandem to this is because people have stopped going to cinema halls and started watching OTT content, they are also being trained to enjoy a certain intelligence in content. You know, they are expecting more, they are rejecting more, they are pushing the boundary of the artist to say, acha ab tum kya kar sakte ho, mere liye dikhao. My personal hope is कि इसके बाद जो हमारी रन ऑफ द मिल फिल्में हैं उनका एक शेल्फ लाइफ बन जाना चाहिए, ताकि हम अपनी जो सिनेमा हॉल जब भी खुलेंगे, जब हम वहां पे भी फिल्में लेके जाएं, तो हम उनको वो पैलेट, वो जो टेम्पलेट है ना फिल्मों का,
जहाँ पे आपको मालूम है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट आप इमोशनल मजे लेने के लिए और अपने हीरो हीरोइन को देखने के लिए पहुंच जाते हो, दे विल ऑल्सो से कि यार नहीं मेरे को और दिखाओ. प्लस OTT has also exposed us to a lot of regional cinema. Yaar. If you all are watching regional cinema, if you all are not watching regional cinema, please watch it. Especially Malayalam films, they are very impressive. Just Google पिछले 5 साल में क्या-क्या फिल्में हैं and watch them, you will be very happy. There were opportunities so many which was given, which were provided or which were there. OTT opportunities because there's a new market, so there are a lot of opportunities. I know students from Jamia and all, and from Lucknow also. मतलब अपने जय विजय सचान सर हैं, हमारे सीनियर हैं. वो अभी एक सोनी लिव का शो कर रहे हैं. आशीष भट्ट हमारे आसपास का ही है. मैंने जो फिल्म लिखी है, आशीष उसमें एक्टिंग कर रहा है. He's done a fantastic job in it. You know, so the employability has slightly become higher. Few of these students were lucky to have Ashish Bhatt as well in the last semester. He was there in the last semester it was. So yeah, and he has done a lot in the industry. Yeah. In terms of hard work, a lot, and in terms of how he has grown. Yeah. So there's another student who would want to know that would like to know about the support that you have got from your family and friends, and also the question is, what is the actual side of entertainment industry? What is the actual side? Yeah, actual what do you side mean? At that time that you have to decode. I think it's the same thing that जो आपने पढ़ा सुना है ना पिछले 2 सालों में, वो नहीं आए, प्रॉमिस यू दैट. ठीक है, वो जेन्युइनली नहीं है. वो पता नहीं क्या ही हो गया है, जिस चक्कर में पेरेंट्स भी घबरा गए हैं, लोग भी घबरा गए हैं, एक अजीब सा इमेज भी बन गया है. यार आपके मेरे जैसे ही लोग हैं यार, मतलब वैसा सा ही सीन है, बस किसी के पास 100-150 करोड़ ज्यादा है, किसी के पास कम है, उतना ही. मतलब इंसान तो वैसे ही फंक्शन करता है. There is a question from Drishti. She says that the industry is exponentially evolving. Where do you see yourself in the 5 years in respect to increasing competition? Seems like an HR question. I just want to be alive for the next 5 years, considering there's COVID-19 and there's COVID-2021. Pata nahi kya kya aane wala. As long as I'm alive and I'm working, I'm happy. Okay. You will see him working. That's what he wants to say. That's all. Yeah. So then there is another question. It says that how do you inspire yourself to continue working as hard as you wish to do? Lot of procrastination, lot of saying ye bekar hai, wo bekar hai, main aisa kaam nahi karunga. Then rent dene ka time aa jata hai. And that's when you are motivated. कि अरे बाप रे बाप, काम करना पड़ेगा. This is the I swear to God, this is God's honest truth. उसके अलावा तो obviously यार, मतलब I've come here for this is the only thing I've invested for 13-14 years of my life. अगर मैं serious नहीं होता तो मैं क्यों ही कर रहा होता ना. तो choose something which मतलब जब बिल्कुल ही हालतें खराब हो जाए ना, उसके बाद भी आप बोलो यार चल मैं एक try और कर लेता हूँ. Choose that career. Otherwise, बहुत खराब हालत में आ जाओगे भाई. Okay, there's another question, and though I was avoiding this question, but I'll bring it on. It's about nepotism. Did you face any nepotism in this industry? नेहा कक्कड़ मेरी चाचा है, नेहा कक्कड़ मेरी बहन है, सोनू कक्कड़ मेरी मासी है. So actually, there is a question. Actually, I'll tell you jokes apart, but you know. I mean, I don't like this debate. This is the only debate. I just, you know, when students start this debate, I'm like, I'm not interested. Sure. Go to any YouTube. But I really want you being a part of this. You know, I will answer seriously. Please. I've given a lot of thought. I cracked this joke because actually logon ne pucha hua bhi hai. Aap Prahlad Kakkad se dukh hai. So yaar kahin na kahin se to honge. Papa ne bataya sare Kakkad ek hi clan se nikle hain to. I can relate to that because I was asked that, are you sister or any relative of Shri Adhikari brothers? So I can relate to that.
I'm the third अधिकारी brother. No. Nepotism का यार, अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आप में से कुछ लोगों के फादर्स जो है ना बिजनेस करते होंगे 25-30 साल से कर रहे होंगे, जिनके बिजनेसेस हैं, जॉब्स की बात नहीं कर रहा. अगर आप जाके कल को उनकी कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको एक मिलेगा ना सेटअप यार, आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. देयर इज अ लॉट दैट यू आर गोइंग टू इनहेरिट. ओके, हैविंग सेड दैट, इट इज काइंड ऑफ अनफेयर बिकॉज देयर इज, इफ यू थिंक ऑफ नेपोटिज्म एज अ कुशन, इन जो भी फिल्म परिवारों के बच्चे हैं उनका कुशन कुछ कितना बड़ा होता है. यू नो, इफ यू फॉल, इफ यू फेल, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू टू मोटिवेट यू टू से ओके नो, वी विल गिव इट अनदर शॉट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट. देयर आर सो पीपल, लेट्स से फॉर इफ आई बिकम अ बिग एक्टर टुमारो, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि मुझे एक भी फेलियर से मेरा कितना नुकसान हो सकता है, बिकॉज वो जो फुट इन द डोर है उसी के लिए इतना टाइम लगा. सो द स्टेक्स आर वे हायर, यू नो, फॉर पीपल लाइक अस फ्रॉम द who are trying to make a living out of acting or all these things. But at the same time, na, you can't just think of these things as isms. Ye bhi log hain, inke bhi yaar parivar hain, inke bhi ghar mein bade masle hain, inko bhi kuch prove karna hai. But inka cushion humse zyada hai. To humse is baat se khar khate hain. Jo andar ek jalan paida hoti hai, usse usi ki hoti hai. Ultimately, life is an equalizer, yaar. Matlab, you'll get where you are supposed to be. And they're all nice bunch of people. You'll meet them, you'll realize, अरे मेरा गुस्सा कहाँ से आ रहा था? वो किसी और वजह से आ रहा था. निकल इन पे रहा है because of what they represent, not who they are as people. So this whole nepotism debate ना, आप उस baggage के साथ अगर भी बॉम्बे आ रहा है तो भाई इतनी आग लेके मत आना यार. I'll take only two more questions, Raghav. One question is, what is the future of the actors who fail? I've heard some horror stories, to be honest, and those are not pretty. But I don't know how to put it. Of course, it's a merciless kind of a setup. But वो gamble तो आप लेके आते हैं. You come with all your self-belief, you come with all the blessings, you come with all the josh. And you just keep your fingers crossed and just hope that everything, you know, works out in your favor. And when it is happening, you keep yourself grounded. Because यहाँ तो Friday to Friday किस्मत बदल रही है. तो ज़्यादा भरोसा नहीं करना उस चीज़ पे. What is that one advice you would give to the younger self in college, and what was the one thing that you didn't let you give up on your dream? It's a question from Aditya Kumar. I wish I had gone to a film school after MIT. I really wish. I was really desperate that time to come to Bombay because of circumstances. I couldn't think clearly. But retrospectively, I really wished I had studied for 2 more years. Actually, I think studying is very important in every field, specific study of that field. And we really, students, if you have someone who can motivate you and who's telling you this, he's not wrong. Believe me on that. I think Raghav will agree to that. Completely. It will always help. And there are a bunch of film schools also, yaar. Matlab, it's not just FTI and NSD. There is SRFTI in Kolkata. There's LB Prasad in Chennai. And a lot of them. Matlab, start with the top 5 schools, koshish karna wahan admission mile, and iske baad there are a bunch of private schools also which are doing very, very good. True. LB Prasad is also private, but they have a history. LB Prasad is a legendary filmmaker producer. So wahan pe bhi aapko, why I'm saying these things, because all these places have a history too. So you'll get to see some things which you will not see anywhere else. That's true. Schooling is important and do that. I'll take few more questions if you allow me, Raghav. Is it fine? Because students are texting me in personal now ki ma'am aapne mera question nahi diya. I'll take few more. So it says that sir, does social media and social interaction in general change you or your work in any kind of way? I have less than 3,000 followers. Yaar, main kya mere se kya hoga? The only thing social media does to me is it's making me into a phone addict. That's about it. Otherwise, so
I am really see a lot of these influencers do because their business is run like that. Okay, actors really don't have to. If you are making reels, if you're making all these things, to become a serious business, you get paid so much money for advertising and all those things. I don't, that's not my field of interest. So that doesn't bother me. And students, after the session, please follow Raghav on Insta so that he have more followers. I should have at least 1 month and 5 more followers. Yeah, true. I'll make sure they do. There's one more question. How did you prepare for the role of Karamchand in Scam 1992? Since the character was based on a real life individual. Okay. So Karamchand initially wasn't Hansal sir ne kuch bola nahi tha. He was a mysterious guy because kitab mein bhi uske bare mein koi mention nahi. So Cheta ne promise kiya tha Devashish ko that we'll take this name to the grave and they stuck by their promise. So there was no reference point to fall back on. So we were doing lines and everything. Hum rehearsal wagera karke lines karke niche utre and we were just chit-chatting in the parking lot. Hansal sir said, "Ye kaam kar tu na crutches pe." मैं बोला क्यों इज देर अ थॉट बिहाइंड नहीं बस इंटरेस्टिंग लगेगा मैं बोला ठीक है मुझे लगा यार ये तो मतलब व्हाट इज दिस मैं इतना सोच रहा हूँ इतना प्रेप कर रहा हूँ मैं क्रचेस पे आ रहा हूँ कोई मोटिवेशन भी नहीं दिया सो द चैलेंज विद करमचंद वॉज आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स और मेरा जितना भी बिट्स एंड पीसेस है जितना भी है फैला हुआ अमंग्स 8-9 एपिसोड्स उसमें मैं सिर्फ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में सब जम्बल्ड अप है So now the challenge is to make sure, क्योंकि सुचेता समझ रही है इसका मतलब ऑडियंस भी समझ रही है इसका मतलब मुझे समझना जरूरी है और एटलीस्ट प्रिटेंड करना जरूरी है कि मुझे समझ में आता है तो उन लाइनों में जिनमें कोई भी इमोशन अटैच नहीं है हाउ टू डिलीवर दोज लाइन्स इन अ वे विच मेक्स इट सीम जेन्युइन विच मेक्स इट सीम दैट आई एम नॉट माई एज आई एम 8 ईयर्स ओल्डर देन माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई एम नॉट primarily an English thinker. I am a Hindi thinker. तो ये मेरी पहली भाषा तो है नहीं और इतनी tough लाइने English में करना मेरे लिए बहुत बड़ा challenge था. So that was the prep behind it. I just kept revising and repeating the lines. जब तक वो मैंने घोट के पी नहीं ली और उसके बाद भगवान का नाम जाके ले ली and thankfully वो निकल गया. So इतना ही simple था. Congratulations on that role. It was beautiful. Acted wonderfully. Congratulations. Next question is from Yusuf. He asks, will the upcoming UP government film city project benefits newcomer or outsiders and outsiders? No idea. I really don't have no dakhal in this subject. Let's see. I hope it does. हम लोग भी आ जाएंगे देखने के पास रहने हम जो बात कर रहे थे ना कि क्यों राइटर्स वगैरह नहीं आते तो जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं ना ये उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि जिन लोगों के पास पावर नहीं है या सॉफ्ट पावर है उनको एम्पावर कैसे करें तो ये हंसल सर ने खुद ही किया है कि यार मैं चाहता हूँ तुम्हारा नाम जाए मैं चाहता हूँ आई वांट टू एम्पावर राइटर्स ही इज इन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ताकि उस चीज़ को एक महत्व मिले उस चीज़ को एक हल्का ग्रेविटी और मिल जाए तो फराज एक है फराज लिखी है हमने उनके लिए कुछ कुछ और भी लिख रहे हैं वी आर राइटिंग अ कपल ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग थिंग्स फॉर हिम So, lines good, yeah. Faraz, on acting grounds, what are the other projects coming? Something called, it's a very cool film called Loop Lapeta. It stars Tapsee Pannu and Tahir Raj Basin. It's a remake of a cult German film called Run Lola Run. So, wo bahut badhiya nikal ke aa rahi hai, so far. I am really keeping my fingers crossed that it has the potential to be the coolest film of the year. All the best for that. So privileged to be a part. I'm sure it will be. Though there are so many questions, still we have. But sir, with your permission, I think we have almost given answers to most of the questions. And
I think I'll give over to Johari sir. Sir, I want you to please give the vote of thanks and also about speak about the whole session that we had. I was so happy to have Raghav because, you know, we have been taught by the same faculties. Yesterday, I was having words with Mohit sir also. We said the first role was offered to Raghav by him. So I just wanted to tell you this, that he said. He said this. So I just wanted to convey that to you because it's the alumni connect and I should tell you this. I was just listening to Raghav and going down memory lane when he entered the VKC campus, because he did his master's from the old campus, which is now the MIT International School. We are now into the new building at Malhar campus. Uh-huh. So Raghav, when he joined master's, I still recall those days, he was a Delhi University boy, a typical Delhi University boy. And first few months I was trying to figure out why this boy is here, because he was very talented. I mean, Raghav ki English, Raghav ki Hindi, Raghav ka communication, conversation in the classes, he was definitely different among all. Though most of his batchmates had made successful career, but he was special to me, because he will also recall. His family shifted from Moradabad to Lucknow, and the family was into business. There were some problems with him in the last year of his master's. He came to me, we sat together, and I knew that he has the talent and he will do something different. Then things started settling down. And then he came to me one day and he said, sir, hum to Bombay ja rahe hain aur Bombay mein hi kuch karna hai. And yes, as he rightly said, that he had not attended any film school. Had he attended a film school, I'm sure he would have grown in his stature when he entered into the industry. But he went there just with a master's degree, articulate person, किसी को भी अपनी बातों से लुभा लेगा. तो गए ही है और इनसे मेरी बराबर कांटेक्ट रहा. वी हैव बीन इन टच थ्रू व्हाट्सएप एंड ही ऑलवेज रिस्पोंडेड टू मी. एंड मैं पूछता रहा कि अब क्या चल रहा है और अब क्या चल रहा है. उसी में मालूम पड़ा, चलते चलते शादी भी हो गई और वो सब भी मुबारकबाद वगैरह दे दी गई. ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स दैट वेन एनी वन ऑफ यू and you join a UG program or a PG program, we can only judge you as a teacher about your talent, where you will end up for your career. We do not know, but yes, we see that spark in you. And I had seen that spark in Raghav, that he is one who will be different. Whether he will be a writer or actor or whatever. So then, I mean, few of his films, I mean, yesterday only, I finished this camp because since he was coming today in the session, I had seen his camp one or two episodes. So sweet, thank you. Sir, Raghav's character, I thought that I must see his character. And as one of the gentlemen or someone in the audience has asked about his role, Karamchand, I was watching him in all the episodes and I was wondering why he was having crutches. And now as he explained that the Hansal Mehta said that you come on crutches. Yes, I think that was something very interesting. It was just really so unique, and it was a director's mind. But yes, that's true. So, he had a very plain and simple talk. The 1 hour session which he had with us, a very plain and simple talk. A Lucknow boy moving to Bollywood entertainment industry and trying to prove his worth. That speaks about his simplicity,
We are very thankful to you, Raghav, that you joined us, and perhaps it was possible in the online this online mechanism. We have been able to get a lot of our alumni who are in the remote locations, and we were not able to get them to the campuses, though we wish when things become normal and you are in Lucknow. Definitely. I hope your parents are in Lucknow. Yes, they are. So whenever you visit Lucknow and we are open and we can have you in our institution, because when you were there, we had very limited facilities. Now we have grown many fold in our facilities, and students have the opportunity to explore in whichever area they want. So thank you very much, Raghav, for being with us. And I'm sure everybody has enjoyed. And just to add, in the last, Dr. Arira Mirza has just texted wishing you all the best.